बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों। एक तरफ है शामली जोन की टीम तो दूसरी तरफ है मुजफ्फरनगर की टीम। दोनों जोन की ए जोन की टीमें हैं दोनों, और इसमें शाहुल कुमार जयपुर पिंक पैंथर स्टार और हरिंदर कुमार यू मुंबा स्टार दोनों नजर आने वाले हैं इस मुकाबले में। दोस्तों तो एक तरफ शानू है शामली के कैप्टन छोटू जो कि कैप्टन है बिजनौर के, और कोर्ट चूज किया है छोटू ने। मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ये बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ बिजनौर तो दूसरी तरफ शामली, शामली की तरफ से सोनू पहली बार रेड में इस मुकाबले में। टफ मुकाबला दोनों टीमों के लिए। बेहतरीन गेम, जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा दोनों टीमों को। सोनू क्या एम्प्टी रेड के साथ लौटेंगे, बिल्कुल एक एम्प्टी रेड देखने को मिली है। प्रशांत जर्सी नंबर 5 के साथ मुजफ्फरनगर की तरफ से लंबे कद के खिलाड़ी, ये मुकाबला बेहतरीन होने वाला है। किक लगाने का प्रयास है और सारे प्रयास सफल, प्रयास 2 पॉइंट की मल्टी पॉइंट रेड की प्रशांत रे सब इन एक्शन में। जो पॉइंट सामली का बनना था उसके जवाब में 2 मुजफ्फरनगर के बन गए। खाता खोलता हुआ मुजफ्फरनगर 2 पॉइंट मिलते हुए। एक तरफ प्रो स्टार की टीम तो दूसरी तरफ लोकल, लेकिन मेहनत बहुत की है, पहले भी जूनियर स्टेट खेल के आए हैं। प्रशांत एक बार फिर एक्शन में, मल्टी पॉइंट रेड की थी 5 के डिफेंस में, क्या भेद पाएंगे इस डिफेंस को। एक तरफ शाहुल तो दूसरी तरफ हरिंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, क्या कमाल किए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी बेहतरीन रेड करने का प्रयास, लेकिन बचाव किया अपने आप को, सेव किया। सोनू डू अ डाई रेड, क्या कामयाब होंगे, एंकल होल्ड किया है, कमाल का ये प्रदर्शन बेहतरीन जबरदस्त राइट कॉर्नर ने। चैंपियनशिप की 4 के डिफेंस में क्या भेज पाएंगे, बेहतरीन टीम दोनों, जबरदस्त मुकाबला शांत रखा है सामने की टीम को। जितने भी हमारे ऑफिशियल टीम मैनेजर टीम कोच हैं, इनकी एक मीटिंग हमारे जोन प्रभारी बड़े भाई परमवीर जी 4 का डिफेंस पंडाल में दृष्टि से टीम आई है, ऑफिशियल और टीम कोच और मैनेजर पुलिस गार्ड 7 का डिफेंस रहना अति आवश्यक है। क्या भेद पाएंगे इस डिफेंस को, एम्पीरियड के साथ लौटे प्रशांत 2-2.5 रन 4 के डिफेंस में। एक तरफ साहुल चैन में तो एक तरफ हरिंदर चैन में, और इस मैच के बेहतरीन टीम और बेहतरीन ये डिफेंस, अगर इस डिफेंस को भेद पाते हैं तो टीम की मुश्किलें बढ़ेंगी, शामली की टीम की दिक्कतें बढ़ाएंगी मुश्किलें। साहुल आए सामने से डबल थाई होल्ड किया, बेहतरीन प्रयास और कामयाब होता हुआ इनका खाता खुलता हुआ शबिन 2 नंबर के साथ। भाई ये जो 6 नंबर प्लेयर है शामली की टीम में शाहुल, क्या बेहतरीन रनिंग हैंड टच की टीम में शामिल था, तो जोरदार ताली हो जाए गाइस इनके लिए, इन्हें आपका भी साथ में। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है टीम ने और कमाल का प्रदर्शन कर रही है, 4-2 स्कोर। चाहे शामली की बात करें या मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर की टीम प्रो कबड्डी में इस समय लीड मौजूदा सीजन में खेल चुके हैं, जहां के लिए बहुत ही जद्दोजहद और कसरत। जर्सी नंबर 8 शामली की तरफ से किक लगाने का प्रयास, एक और एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी। लगातार इस मुकाबले में आपको एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी, और इस समय सामने हैं आकाश और छोटू, ये खिलाड़ी बेहतरीन है, अगर ये खिलाड़ी चलता है तो मुकाबला बहुत टफ लगेगा शामली के लिए। जो प्रशिक्षण रहते हैं लिखावटी में प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के कस्बे भोकरेडी से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। किक लगाने का प्रयास शबिन पर, स्लिप लगाने का प्रयास, सारे प्रयास कर रहे हैं आकाश, शबिन को टोटस करने का प्रयास था लेकिन नाकामयाबी मिली और एम्प्टी रेड के साथ लौटे। बहुत बढ़िया हैंड टच करने की कोशिश की, शबिन लंबे कद के खिलाड़ी हैंड टच करने का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर से, एकदम तैयार है किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए, लिया जाए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करें। 5 का डिफेंस, क्या भेज पाएंगे इस डिफेंस को, लंबे कद के खिलाड़ी, क्या बेहतरीन रेड है, यह मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिलेगा, बिल्कुल मल्टी पॉइंट रेड की है।
थर्ड रैट डू डाई रैट, क्या बेहतरीन अभी मल्टी पॉइंट रैट है, किक लगाने का प्रयास है, सामने से आए दो चांद में सितारा होता आकाश शर्मा और एक और भाई दो पॉइंट की रैट की है, कमाल का प्रदर्शन करती हुई मुजफ्फरनगर की बेटी सब इन दो नंबर के साथ पांच के डिफेंस में। अगर सब इन रेड मल्टी पॉइंट रेड करते हैं तो सामने से भी मुजफ्फरनगर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और पलटवार बिल्कुल उसका जवाब देती हुई टीम। प्रशांत पांच नंबर के साथ पांच के डिफेंस में साहुलाई सामने से निकलकर सेल्फ आउट हुए हैं, प्रशांत सेल्फ आउट हुए थे लॉबी में गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दो ऐसे जिले हैं जिन्होंने इस विरासत को बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ है। चार का डिफेंस हमारे सचिव श्री रामपाल जी का बहुत योगदान है मुझे सोनू एक्शन में शिखर पर ले जाने में। आप सौरभ से बिलोंग करते हैं और आपका हर समय कबड्डी के लिए समर्पण हो खिलाड़ियों के प्रदर्शन। टाइम आउट लिया है, कामयाब हुए थ्रेड में सोनू, बेहतरीन मुकाबला टफ मुकाबला चल रहा है, छह पांच स्कोर है। नीचे बैठो तीनों को, नीचे बैठिए भाई, स्वेच्छा से एक बार बैठ जाए क्योंकि आउटगोइंग प्लेयर्स। छह पांच स्कोर है, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ टफ मुकाबला चलता हुआ, एक और बेहतरीन पॉइंट आकाश का कामयाब हुए हैं और बिल्कुल तीन नंबर को बाहर किया है। मुकाबला टफ चलता हुआ दोनों टीमों के लिए, सब एक बार फिर उम्मीद ऐसी है कि शामली की टीम दूसरे हाफ में एक तरफ प्रो स्टार तो दूसरी तरफ भी बेहतरीन युवा स्टार सामने से आए ब्लॉक करने का प्रयास, क्या यह मल्टी पॉइंट रेड एक और देखने को मिलेगी, बिल्कुल एक और मल्टी पॉइंट रेड की है। आकाश कामयाब होते हैं तो सामने से शामली भी गए, सामने भी कामयाब होते हैं, बोनस का प्रयास, बोनस ओपन किया है। अभी तो ये पहला हाफ है, क्या बेहतरीन ये खिलाड़ी, ट्रेलर देख रहे हैं पूरी फिल्म दूसरे हाफ में चलेगी, क्या बेहतरीन ये डिफेंस है, आकाश ने लंबी डाई लगाई थी और सामने से बेहतरीन प्रयास किया गया, सपोर्ट मिला और ऑल आउट होती हुई एक खिलाड़ी बचे हुए हैं, बिल्कुल ऑल आउट होती हुई ये टीम। मुजफ्फरनगर को ऑल आउट मिलता हुआ पहला ऑल आउट, युवा स्टार मुजफ्फरनगर की तरफ से बेहतरीन ये रेड देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं जिस तरह की रेडर ने प्रयास किया था इसी तरह का डिफेंस ने प्रयास किया और कामयाब होता हुआ ये डिफेंस, बेहतरीन टकल सोनू आए हैं एक्शन में। मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलते हैं, बेहतरीन गेम बेहतरीन ये टो टच किया है, कमाल की रेड। प्रशांत एक बार फिर, चाहे प्रशांत की बात करें या आकाश की बात करें, मुजफ्फरनगर की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल रनिंग हैंड टच किया है, टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। अगर डिफेंस की बात की जाए तो उस तरह का डिफेंस ने काम नहीं किया है अभी तक सामने की तरफ से, जिस तरह के डिफेंस के लिए जानी जाती है टीम, लेकिन शवन लगातार मल्टी पॉइंट रेड कर रहे हैं। यहाँ डिफेंस देखने को मिला है, बेहतरीन डिफेंस काम करता हुआ मुजफ्फरनगर का। प्रशांत की बात करें या बात करें शमिन की, एक जैसे खिलाड़ी दोनों, दोनों राइट रेडर, लेकिन कहीं हद तक प्रभावित किया है प्रशांत ने भी, जो सुपर रेड लगाई थी खासकर उसकी बात करें तो सोनू, इन्होंने 10 नंबर के साथ प्रो कबड्डी में जयपुर पिंक पैंथर टीम का प्रतिनिधित्व किया और उसे शिखर पर पहुंचा कर दम लिया, नंबर एक रही टीम और लगभग 3 करोड़ की नामी राशि थी इसमें पहली, वहां पर वर्चस्व कायम किया और उसमें देखने को मिलेगी लगभग 296 के करीब पॉइंट बनाए। टाइम आउट लिया है,
गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हो दोस्तों। पांच के डिफेंस में जर्सी नंबर पांच प्रशांत का डाई लगाई है और डाई भी पांच नंबर प्रशांत ने लगाई है। पांच का डिफेंस पांच नंबर रेडर और डाई भी पांच नंबर ने लगाई, लेकिन कामयाबी मिलती हुई डिफेंस को। शामली की तरफ से ये खिलाड़ी सपोर्ट रेडर के तौर पर शामिल हुआ है टीम में, लेकिन क्या सपोर्ट रेडर का साथ मिलेगा सब इनको, सब इन इस समय बाहर है। डिफेंस काम कर रहा है इस समय दोनों टीमों का, मिला जुला प्रदर्शन, एक ऑल आउट जरूर मिला है मुजफ्फरनगर की टीम को। साहुल बोनस मिला है, साहुल बहुत जल्दी गए थे प्रशूट किया और वो डुअ डाई रेड थी, अक्सर रेड में जाते नहीं है साहुल, लेकिन बोनस लाकर टीम को एक पॉइंट और लीड मिला दिया। छह का डिफेंस आकाश एक्शन में, ये बेहतरीन आकाश लगातार आकाश के सामने शफलिंग कर रहे थे और गलतियां कराने की एक जो कोशिश थी लगातार वो बनाई जा रही थी और बिल्कुल कामयाब होते हुए। सोनू दस नंबर के साथ बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के दृष्टिकोण से, ये बेहतरीन रन है, ये कमाल की रन है सोनू की। एक और मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिली है शामली की तरफ से, पर शामली इस समय लीड में, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, माना कि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है, और नाव पर बैठकर धोए के हाथ कभी पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। और बिल्कुल यहाँ कामयाब सब इन दो नंबर के साथ बोनस का प्रयास किया है, लंबे कद के खिलाड़ी है और डिफेंस ऊपर टूटता नहीं है, जल्दी से बोनस मिला है। प्रशांत का रिवाइवल हुआ था, प्रशांत अंदर आए हैं, क्या जो काम सब इन कर रहे हैं वो काम करेंगे। बैक होल्ड करने का प्रयास और डिफेंस आया सामने थे, बेहतरीन टैकल देखने को मिला। मध्यांतर का समय करीब है, करीब एक मिनट के आसपास का समय से इस समय एक्शन में दो नंबर के साथ शामली की तरफ से। पांच के डिफेंस में लंबे कद का एक खिलाड़ी है, भाई डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है इस चैंपियनशिप की कामयाबी में, आप खुद ही योगदान की बात है। मध्यांतर बिल्कुल मध्यांतर हो गया है, हम तो समय करीब बता रहे थे लेकिन इस समय मध्यांतर होता हुआ, और अगर स्कोर की बात करें तो मध्यांतर के समय 20-11 स्कोर शामली की टीम इस समय, अब दूसरे हाफ में 9 पॉइंट की लीड में। फुल स्क्वाड सात का डिफेंस, क्या हेल्प पाएंगे इस डिफेंस को, बोनस ऑन, छह या छह से ज्यादा खिलाड़ी कोर्ट में हो तो बोनस की सिचुएशन होती है। रनिंग हैंड टच किया है लेफ्ट कॉर्नर आकाश को, लीड धीरे धीरे घट रही है एक एक पॉइंट करके, लेकिन सबिन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उस लीड को घटाना बहुत बड़ी चुनौती मुजफ्फरनगर के लिए। लंबे कद का ये खिलाड़ी है, एक और बेहतरीन कामयाबी मिलती हुई, एक और पॉइंट मिलता हुआ आकाश और छोटू। ये खिलाड़ी बेहतरीन है, अगर ये चलेगा तो बिल्कुल टीम का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, लेकिन ये खिलाड़ी अभी तक उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया है अपने नाम के मुताबिक, और उसका प्रयास और लेकिन यहां कामयाबी मिलती हुई। ये इनकम्प्लीट ट्राई जो है होल्ड करने का प्रयास था आकाश का और कामयाबी मिलती हुई, इस बार तो ये छोटे में सफल हो गए और दूसरे आकाश को।
लेकिन दोनों टीमों के लिए इसमें सिर्फ आत्मसम्मान शोभित नहीं होती। क्या बात है, एक और मल्टी पॉइंट है, सब कमाल कर रहे हैं। प्रशांत फिर एक्शन में, प्रशांत की बात करें, आकाश की बात करें, दोनों एक जैसे रेड रहे, राइट रेड रहे दोनों टीमों ने कम से कम कैप तो किया होगा 10-15 दिन एक साथ एक दूसरे के साथ। एक और बेहतरीन किक लगाई और आकाश को बाहर किया है, टाइम आउट लिया है। ये एक्स्ट्रा प्लेयर जो कि जब जरूरत पड़ेगी तो इनको भी शामिल किया जाएगा स्क्वाड में। देर ना करें भाई, क्योंकि देर करना अपने तरह से खाली नहीं है, ये हो सकती है। साबिर एक बार गेम फिर स्टार्ट, चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत हेल्थ टच का प्रयास है क्या शामिल, लेकिन जो टच का दावा किया था सबिन ने उसे स्वीकार नहीं किया गया। हेलो, इस मैच के बाद ये भाई जबरदस्त सिंगल थाई होल्ड, दोनों टीमें तैयार हैं, कमाल का प्रदर्शन भारत सरकार में। अभी टाइम है चार का डिफेंस, सोनू एक्शन में, सोनू सफेद रेडर के तार तौर पर शामिल किए गए हैं सब इनके साथ, और सब इन लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर आप निकलो ना जल्दी, प्रशांत साहुल आए सामने से, पहले हरिंदर कामयाब होते हुए इस बार साहुल कामयाब होते हुए। प्रो कबड्डी का रंग है, जो प्रो कबड्डी का अभी तक खुमार चढ़ा हुआ है वो ये खिलाड़ी दोनों प्रदर्शन करते हुए, उसके मुताबिक सिंगल हैंड टैकल देखने को मिला है और सुपर टैकल मिला है देखने को। हल्की चोटिल हुए हैं सबिन, आकाश, मुजफ्फरनगर की तरफ से बोनस का प्रयास किया है, क्या मिलेगा बोनस, और बोनस में लगा हुआ सबिन आउट हुए हैं, सोनू अंदर हैं, क्या सोनू रिवाइवल करा पाएंगे सबिन का। चार का डिफेंस, सुपर टैकल किया था मुजफ्फरनगर की टीम ने, हाई टच किया है, और क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है क्या, बिल्कुल सोनू की मल्टी पॉइंट रेड, सोनू ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है इस मुकाबले में। सब इनको अंदर लेकर आए हैं, छोटू एक बार फिर, आकाश बोनस ऑन, बोनस खुला छोड़ा है, लेकिन अगर यहां बोनस, एक और बेहतरीन डबल थाई होल सामने से आए साहुल, और बाहर किया है आकाश को, फिर लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, ऑल आउट मिलता हुआ और टीम धीरे धीरे बढ़ती हुई स्कोर की तरफ मिसलीड हो रही है, की वजह इनके घाटे में रहने की, माइनस में रहने की, नुकसान में रहने की। स्कोर की अगर बात करें तो 31-18 स्कोर है, एक बहुत बड़ी लीड इस समय। टीम मैनेजर पीलीभीत सामने से आया, कहां से एक पॉइंट ऑन लूज कर दिया, कहां है पीलीभीत, 19-31 स्कोर भाई, मुझे अपने नगर की और सहारनपुर की 12 पॉइंट की लीड, उसमें गेंद दीवार को कहते हैं जो पुराने जमाने की कच्ची दीवार है, 12 पॉइंट की लीड इस समय। अरे कपड़े उतार रहे हैं, नहीं उतार रहे, पीलीभीत जल्दी निकलो। सोनू लास्ट करीब 5 मिनट के आसपास का समय शेष, टाइम आउट लिया है, टाइम आउट लिया है मुजफ्फरनगर ने, और 12 पॉइंट की लीड इस समय शामली के पास। मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ दोस्तों, सहारनपुर सहारनपुर में दिखाई दे रही शामिल को बाहर किया है, 31 स्कोर, एक एक पॉइंट करके लीड घटा रही है मुजफ्फरनगर की टीम, के लिए उतना जरूरी नहीं है जीतना,
जितना पीलीभीत के लिए। पीलीभीत के लिए तो मैच शुरू से आखिर तक ही डू ऑर डाई है। अगर पीलीभीत इस मैच को खो देती है तो ये समझो कि चैंपियनशिप में बड़ा नुकसान हो जाएगा। डबल थाई होल्ड बेहतरीन प्रदर्शन राइट कॉर्नर पर मुजफ्फरनगर की टीम का। दूसरा और आखिरी हाफ है ये। लीड धीरे धीरे कम हो रही है, इस समय मात्र 10 पॉइंट की लीड है और 10 पॉइंट की लीड कब छट जाएगी पता भी नहीं लगेगा। लेकिन दोनों प्रो कबड्डी के स्टार इस समय कोर्ट में मौजूद, लेकिन एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर में हरिंदर और राइट कॉर्नर में साहुल। चार का डिफेंस बेहद सुरक्षा कर ली रेडर ने बिना किसी नतीजे के। समय काट रहे हैं क्योंकि जानते हैं टीम लीड में है और करीब 6 मिनट के आसपास का समय है अभी भी बचा हुआ लास्ट इस मुकाबले में। दूसरे कुछ बाकी है, मुजफ्फरनगर की टीम के पाले में शामली ने गेंद डाल दी है और अभी ने आगाह कर दिया है कि हमारा क्या बेहतरीन टॉस देखने को मिला है। 1-1 ही जरूर मिलेगा लेकिन साहुल को टच हुआ था और हरिंदर ने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन 1-1 ईच मिला है, साहुल को टच मारा था आकाश ने, हरिंदर ने बेहतरीन डैश किया लेकिन प्रेशर इतना बेहतरीन था अपने आप को नहीं बचा पाए और यहां पर कामयाबी मिलती हुई रेडर को। शुरुआत बहुत बढ़िया थी लेकिन बीच में थोड़ा सा जो स्पीड ब्रेकर आया पांच का डिफेंस सामने से साहुल। क्या यह मल्टी पॉइंट रेड है, क्या 4 पॉइंट की यह रेड है। चार पॉइंट की रेड कर दी है, कमाल की रेड कर दी है। बिल्कुल मैंने बोला था 10 पॉइंट की लीड है लेकिन 10 पॉइंट की लीड कब छट जाएगी पता भी नहीं लगेगा। और बोनस मिला है, बोनस ऑन कर दिया है, ये बेहतरीन बोनस मिला सुमन, ये गलतियां भारी पड़ेंगी। 2 पॉइंट और मिलते हुए प्रसाद 5 मिनट से क्या ये सुपर टैकल देखने को मिलेगा और बिल्कुल सुपर टैकल कर दिया है। कमाल की वापसी की है इस खिलाड़ी ने, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबरदस्त प्रदर्शन। और विनय की बात करें तो अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे और बेहतरीन प्रदर्शन किया विनय ने, पहले बोनस प्लस टच पॉइंट लेकर आए उसके बाद सुपर टैकल कर दिया, लास्ट खिलाड़ी बचे हुए थे टीम ऑल आउट की तरफ बढ़ रही थी लेकिन विनय का प्रदर्शन बेहतरीन। ये वो खिलाड़ी है जिसने शामली की उम्मीदों को एक बार फिर जिंदा रखा है। राज्य कबड्डी प्रतियोगिता भी 3 का डिफेंस और लगभग 12-13 सुपर टैकल ऑन, एक और सुपर टैकल देखने को मिलेगा क्या भैया मुजफ्फरनगर हरिंदर। ये सुपर टैकल कमाल का है, इसे आप सोलो टैकल भी बोल सकते हैं। प्रो कबड्डी के सितारे धूम मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं लेकिन वो उस रेड को नहीं भूलना चाहिए जो 4 पॉइंट की रेड की थी। 2 लाख रुपए समय काटते हुए इतना बड़ा इंतजाम होने के बावजूद चलना जैसी व्यवस्था नहीं थी। समय काटते हुए साहुल, हेलो साहुलपुर और पीलीभीत मैच होता हुआ समाप्त। दोस्तों यहां पर मुकाबला समाप्त हुआ है, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला था, जबरदस्ती एक गेम देखने को मिला था। एक समय मुजफ्फरनगर बेहतरीन वापसी कर रहा था, तो तुम्हें पता किसे कर रहे हो, तुम तो बहुत ही सम्मानित खिलाड़ी हो, जल्दी। दोस्तों बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, 39-26 स्कोर रहा और बाजी मारी इस समय शामिल है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।